डियर स्टूडेंट्स वेलकम इन दी पार्ट थर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दी ऑर्गल डायग्राम्स। तो आपका स्वागत है इस पार्ट थ्री में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जिसमें आप पढ़ेंगे ऑर्गल डाइग्राम्स के बारे में तो so, इस यूनिट को पढ़ के आपको पता चलेगा कि ऑर्गल डाइग्राम क्या होते हैं और ये कैस किस इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं ऑर्गल डायग्राम को जानने से पहले आपको जानना होगा किस तरीके से स्प्लिटिंग होती है एक पर्टिकुलर डी कन्फिग्रेशन की ओके okay? तो आपको पढ़ना होगा कि स्प्लिटिंग ऑफ डी एंड कन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्टाहीटल एंड टेट्राटल कॉम्प्लेक्सेस ये कैसे होता है ओके okay? तो ये जो ऑक्टा एंड टेट्राहीटल कॉम्प्लेक्सेस का जो डी कॉन्फ़िगरेशन कन्फिग्रेशन है उसकी स्प्लिटिंग पहले आप देखेंगे देन वी विल गो टू दी ऑर्गल डायग्राम्स ओके अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो एनर्जी टर्म्स होती हैं देखिए मैंने आपको बताया था पहले भी कि जैसे आप जानते हैं कि एक जो एक टी टू जी और ई जी में एक डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है ठीक उसी तरीके से एक एनर्जी लेवल डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट होते हैं ओके और जैसे आपको मैंने बताया कि स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल होती है टी टू जी एंड ई जी में ओके ऐसे ही आप देखेंगे कि जो एनर्जी लेवल्स होते, है, e होते हैं वो तो टी में ई में या ए में स्प्लिट होते हैं ओके तो ए में स्प्लिट होते हैं इनको हम क्या कहते हैं इर टर्म्स इरेड्यूसेबल टर्म्स होती हैं टर्म्स मतलब स्टेट टर्म्स मतलब एनर्जी लेवल टर्म्स मतलब स्टेट ओके ओके आई विल गिव यू एन एग्जांपल आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल तो मैंने आपसे कहा कि जैसे आप जानते हैं कि एक डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है डी टू जी एंड ई जी में ओके okay? ये तो है ऑप्टाइटल ऐसे ही ये डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है ई जी एंड सॉरी ई में इसको हम जी नहीं लिखेंगे ई एंड डी टू में ये किस में होता है टेट्राहीटल कॉम्प्लेक्सेस में तो एक डी ऑर्बिटल स्प्लिट हुआ देखिए डी टू में और ई e में एक टी ऑर्बिटल स्प्लिट हुआ ई एंड डी टू जी में लाइक वाइज क्या होता है मैंने आपको बताई थी टर्म आपने देखी थी आपने ग्राउंड स्टेट टर्म्स के बारे में पढ़ा था इससे पहले लेक्चर में ग्राउंड स्टेट टर्म अगर आपको ध्यान होगी तो आपने देखा था कि जो d1 वन कन्फिग्रेशन था जो d4 फोर कन्फिग्रेशन था जो d6 सिक्स कन्फिग्रेशन था एंड जो d9 नाइन कन्फिग्रेशन था इन सारे कन्फिग्रेशन की ग्राउंड स्टेट क्या थी d और उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या थी n अगर मैं देखूं d2 टू कन्फिग्रेशन डी सेवन कन्फिग्रेशन डी थ्री कन्फिग्रेशन एंड डी एट कन्फिग्रेशन तो इनकी ग्राउंड स्टेट क्या थी सबकी एफ आप देखिएगा देन अगर मैं बात करूं डी फाइव की या डी टेन की जो कि कंप्लीटली फील्ड या हाफ फील्ड है तो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगी एन एस तो आपने तीन तरीके की ग्राउंड स्टेट देखी थी एक आपने देखी डी एक आपने देखी एफ और एक आपने देखी एस कैपिटल से दिखाते हैं स्टेट्स हैं एनर्जी स्टेट्स तो आप यहाँ पर देखिए जो एनर्जी स्टेट है ये किसकी एनर्जी स्टेट थी बच्चों जो आपको पहले मैंने बताया वो क्या था फ्री आयन कोई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ था उस समय आपने देखा था कि ये पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन से ये ग्राउंड स्टेट टर्म जनरेट होती है आयन की है अभी हमने कॉम्प्लेक्स की बात नहीं करी ये आयन की है तो आयन की है तो इसे हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं एटमिक टर्म इसको हम क्या कहते हैं एटमिक टर्म कहते हैं क्योंकि ये एटम की है या आयन की टर्म है ओके okay? अब देखिए ये जो डी होता है जैसे डी ऑर्बिटल के केस में आपने देखा इसकी डी जनरेसी कितनी होती है पांच कितने ऑर्बिटल होते हैं पांच इसी तरीके से क्या होता है जो डी स्टेट होती है इसकी डी जनरेसी कितनी होती है पांच और जैसे आप जानते हैं कि एफ़ ऑर्बिटल की डिजेनरेसी कितनी होती है सात देयर आर आर सेवन ऑर्बिटल्स ऐसे ही कैपिटल एफ़ की डिजेनरेसी कितनी होती है सात और एस की डिजेनरेसी आप जानते हैं कि एस ऑर्बिटल एक ही होता है तो इसकी डिजेनरेसी कितनी होती है एक एक ऑर्बिटल होता है ऐसे ही ये जो एस ऑर्बिटल है इसकी डिजेनरेसी कितनी होती है एक तो एक ही नहीं कई तरीके की स्टेट्स होती हैं ये स्टेट्स हैं एनर्जी स्टेट्स हैं और ये जो एनर्जी स्टेट्स हैं बच्चों इनमें आप देखेंगे कि इनकी डिजेनरेसी होती है जैसे ऑर्बिटल्स की होती है तो इसकी डिजेनरेसी जेनरेसी पाँच है इसकी डिजेनरेसी सात है इसकी जीरो है इसके अलावा भी बहुत सारी टर्म होती हैं ये आपको कैसे पता चलती हैं एल से अगर एल दो होगा तो स्टेट क्या, तो क्या होगी डी अगर एल तीन होगा तो स्टेट क्या होगी एफ वन होगा तो क्या होगी पी और जीरो होगा तो एस ऐसे ही ये फोर होगी तो जी ऐसे ऐसे डिफरेंट टाइप की स्टेट्स होती हैं ओके तो इस स्टेट की मल्टी इसकी डिजेनरेसी कितनी होगी तीन जैसे ऑर्बिटल तीन होते हैं ऐसे इसकी डिजेनरेसी कितनी होती है तीन इसकी डिजेनरेसी कितनी होती है पाँच इसकी डिजेनरेसी कितनी होती है सात इसकी डिजेनरेसी कितनी होती है इलेवन इसके आगे भी होता है आई जे ई एफ जी देखिए क्या है जी एच इसके आगे कौन होगा एच फिर आई इसकी डिजेनरेसी कितनी होगी थर्टीन तो टू प्लस टू प्लस कर दीजिए तो डिजेनरेसी आ जाएगी इनकी ओके तो इन टर्म्स की डिजेनरेसी आपको पता चल गई आपको टर्म्स पता है लेकिन हमें मेन काम किससे है मैंने आपसे कहा था कि आपके कोर्स में कौन सा कन्फिग्रेशन है आपके कोर्स में जो कन्फिग्रेशन है वो है डी वन डी फोर डी सिक्स एंड डी नाइन बहुत आसान कन्फिग्रेशन हैं जहाँ पर ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होती है डी तो हमें केवल डी की स्प्लिटिंग के बारे में पढ़ना है कि जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा तो डी की स्प्लिटिंग कैसे होगी तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है आप देखिए जो टर्म्स हैं उनकी डिजेनरेसी के बारे में लिखा हुआ है जैसे स्मॉल एस ऑर्बिटल की डिजेनरेसी एक होती है ऐसी कैपिटल एस जो एनर्जी स्टेट है उसकी डिजेनरेसी भी कितनी होती है एक होती है पी की तीन होती है डी की पाँच होती है एफ़ की सेवन होती है एंड सो ऑन ओके और जो सम ऑफ डिजेनरेसी ऑफ ईच टर्म होगी वो इक्वल टू द डिजेनरेसी ऑफ़ ओरिजिनल टर्म होगी अभी आपको पता चल जाएगा क्या होता है दूसरा आप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जी एंड यू जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ जी मीन्स किसी भी ऑर्बिटल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन होगा साइन जो है वो लोब के चेंज नहीं होते हैं और सॉरी साइन चेंज हो जाते हैं यू में uh, तो इन्वर्जन वहाँ पर आप देखेंगे कि नहीं होगा और जहाँ पर जी होगा वहाँ पर सेंटर ऑफ इन्वर्जन होगा आप उसको अगर चेंज करेंगे तो आप देखेंगे लोभ के साइन चेंज नहीं होंगे जैसे डी ऑर्बिटल है डी ऑर्बिटल के केस में आई विल अगेन एक्सप्लेन यू ये देखिए अगर मैं पी ऑर्बिटल की बात करूँ तो पी ऑर्बिटल कैसा होता है देखिए ऐसा होता है और अगर मैं डी ऑर्बिटल की बात करूँ तो डी ऑर्बिटल कैसा होता है कोई भी डी ऑर्बिटल आप देखेंगे अपोजिट लोब कैसे होंगे प्लस प्लस और अपोजिट लोब क्या होंगे माइनस माइनस अब आप देखिए इस ऑर्बिटल को मैं अगर इन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन ऊपर चला जाएगा और पॉजिटिव साइन ऊपर आ जाएगा लेकिन अगर मैं इसको इन्वर्ट करूं अगर मैं इसको इसी इसी एक्सिस के और इन्वर्ट करूं तो आप देखिए ये प्लस रहेगा और ये माइनस रहेगा तो आप देखिए अगर मैंने इसको इन्वर्ट किया तो नो चेंज इन साइन यहां पर मैंने इन्वर्ट किया तो चेंज इन साइन तो ऐसे ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं यू ये क्या कहलाते हैं अन जी रेट ओके और ये क्या कहलाते हैं जी ये है जी रेट तो ये दो चीजें आपको पता चल गई ऑर्बिटल्स के बारे में तो ये प्लेज यही एक्सप्लेन कर रहा था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया एंड यहां पर मैंने आपको दिखाया है कि ये देखिए फ्री मेटल आयन था अभी मैं ऑर्बिटल की बात कर फ्री एयर मेटल आयन था डी ऑर्बिटल्स डी जेनरेट थे लेकिन जैसे ही ऑक्टाइड्रल कॉम्प्लेक्स बना वैसे ही आपने देखा कि जो एनर्जी लेवल है वो टूट गए और ई और टी में ये डिवाइड हो गए जिसमें टी नीचे है ऑक्टाहीड्रल के लिए और ई क्या है ऊपर है दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैंने ई लिखा है यहाँ पर टी टू लिखा है यहाँ पर जी का टर्म का यूज़ किया है क्यों क्योंकि ये ऑक्टाइड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है अब आप देखिए टेट्राइटल कॉम्प्लेक्स में ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग अकॉर्डिंग टू सी एफ टी डी ऑर्बिटल फ्री मेटल लाइन जैसी टेटराहेटल कॉम्प्लेक्स बनेगा वैसी स्प्लिटिंग होगी ई e की एनर्जी कम हो जाएगी और टी टू की एनर्जी बढ़ जाएगी हमने जी यूज़ नहीं किया है क्योंकि टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है तो जब हमें पता लग गया कि ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग कैसे होती है लाइकवाइज टर्म्स की भी स्प्लिटिंग होती है तो मैंने आपसे कहा कि जो एस टर्म है उसकी डी जेनरेसी कितनी होती है वन तो ये ये क्या होती है स्प्लिटिंग नहीं होती किसी भी फील्ड में इसकी स्प्लिटिंग नहीं होती उसकी एक ही डिजनरेसी होती है अगर मैं पी टर्म की बात करूँ तो पी टर्म की भी स्प्लिटिंग नहीं होती है जैसे ऑर्बिटल स्प्लिट नहीं होता है ऐसे ही आप देखेंगे कि ये जो पी टर्म होती है ये भी स्प्लिट नहीं होती ऑक्टाहीटल या टेट्राहीटल फील्ड में ओके एक uh, किस में वीक फील्ड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर अभी आप एक टर्म और देखिए वीक फील्ड की बात कर रहे हैं तो जो पी टर्म है वो वीक फील्ड में स्प्लिट नहीं होता है स्ट्रांग फील्ड में इट में स्प्लिट और केवल कौन स्प्लिट होते हैं वीक फील्ड में डी और एफ वीक फील्ड का मतलब है जब वीक आ, आ, इस वीक लिगेंट्स के साथ जब बॉन्डिंग होगी कॉम्प्लेक्सेस की उस केस में केवल डी और एफ टर्म ही क्या होंगी स्प्लिट होंगी इसमें से आपको एफ टर्म नहीं पढ़नी है आपको पढ़ना है कि डी टर्म की स्प्लिटिंग कैसे होती है ये जो दिखा रहा है ये डायग्राम दिखा रहा है कि एन डी कन्फिग्रेशन जो एन डी देखिए कैपिटल से लिखा है तो यहाँ पर आप देखेंगे जो एन डी स्टेट होती है एन डी स्टेट जो है वो कैसे स्प्लिट होती है जो एन डी स्टेट होती है वो दो टर्म्स में टूटती है जब ये फ्री मेटल लाइन फ्री मेटल लाइन की जो स्टेट है वो एन डी होती है ओके और जब ये ऑक्टा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा तो आप देखेंगे ये जो एन डी थी ये टूट जाएगी एन टी टू जी एंड ई जी में ये एन टी टू जी एंड ई जी में टूटती है तो या तो ये जो स्टेट है वो एन टी टू जी होगी और ये वाली एन ई जी होगी या फिर ये एन ई जी होगी और ये एन टी टू जी होगी कौन सी स्टेट ग्राउंड स्टेट होगी कौन सी एक्साइटेड स्टेट होगी ये डिपेंड करेगा कन्फिग्रेशन के ऊपर अभी आपको समझ में आ जाएगा और ये स्प्लिटिंग अगर हम देखें एन डी देखिए फ्री मेटल आयन है लेकिन जैसे ही टेटराइटल का कॉम्प्लेक्स बनेगा वैसे ही आप देखेंगे कि एक स्टेट ग्राउंड स्टेट होगी और दूसरी स्टेट क्या होगी एक्साइटेड स्टेट होगी तो ग्राउंड स्टेट या तो टी टू होगी या एन ई होगी और एक्साइटेड स्टेट या तो एन ई होगी या टी टू होगी जैसे आप जानते हैं कि एक डी ऑर्बिटल बिटल टी टू जी और ई जी में स्प्लिट होता है या के केस में टी टू एंड एन ई में स्प्लिट होता है ऐसे ही जो एनर्जी स्टेट्स होती हैं वो भी टू एंड ई में स्प्लिट होते हैं कैसे होते हैं कि आप देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कन्फिग्रेशन फोर कन्फिग्रेशन हम पढ़ेंगे डी वन डी फोर डी नाइन एंड डी फोर डी नाइन ओके डी सिक्स सो आई विल फर्स्ट एक्सप्लेन यू दिस बाई ड्रॉइंग बाई ड्रॉइंग इट सेल्फ द डायग्राम पहले मैं आपको खुद ड्रॉ करके दिखाऊंगी देन आई विल शो यू दी स्लाइड ओके देन अब नाउ हम देखते हैं मैंने आपसे कहा कि मैं डी वन कन्फिग्रेशन की बात कर रही हूँ ओके डी वन कन्फिग्रेशन ऑक्टा हीडल एंड टेट्राइडल हम दोनों देखेंगे तो यहाँ पर मैं पहले ऑक्टा हिडल बना रही हूँ देखिए टू डी ग्राउंड स्टेट टर्म क्या थी टू डी ओके और ये डी वन कन्फिगरेशन है तो यहाँ पर जो पहले आप देखिए कि इसकी ग्राउंड स्टेट क्या होगी ग्राउंड स्टेट होगी और हम किस बात कर रहे हैं ये आपको ध्यान देना पड़ेगा हम केवल वीक फील्ड की बात कर रहे हैं ओके okay. जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स देखिए कैसे अरेंज होंगे वन में तो कोई दिक्कत नहीं एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा एक इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ होगा तो कन्फिग्रेशन क्या हो गया इसका टी टू जी वन ओके eg जी ये इसकी क्या है ग्राउंड स्टेट ये है ग्राउंड स्टेट तो ग्राउंड स्टेट पे कन्फिग्रेशन क्या रहेगा टी टू जी वन ई जी अब देखिए जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा इसने अभी आप देखेंगे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी एब्जॉर्व करेगा कितनी इतनी एनर्जी और जैसे ही एनर्जी एब्जॉर्व करेगा देन दिस इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर टू द ई ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा ई में यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा तो ये इसकी क्या हो जाएगी एक्साइटेड स्टेट ओके एक्साइटेड स्टेट हो गई और इसका कन्फिग्रेशन क्या हो गया टी टू जी जीरो है और ई जी वन है ओके ई जी में एक इलेक्ट्रॉन अब आप देखिए कि ये जो कन्फिग्रेशन है दिस वन दिस वन यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है अरेंजमेंट की आप देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है कितनी पॉसिबिलिटी है थ्री इस इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट की कितनी पॉसिबिलिटी है तीन और ये जो इलेक्ट्रॉन ईजी में है इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है या तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ हो या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ हो कितनी पॉसिबिलिटी है टू पॉसिबिलिटी इस केस में कितनी पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट की तीन और इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है टू अब इसको मैं आपको ऐसे भी दिखाऊँ इसमें हमें कम्प्लीट लेना पड़ता है जैसे मैं कहूँगी कि ये इलेक्ट्रॉन देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था ये इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ यह कंप्लीट स्टेट लेनी पड़ेगी ये एक स्टेट है यहाँ हो सकता है तो कितनी पॉसिबिलिटी है इसकी थ्री पॉसिबिलिटी और ये वाला जो केस है इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है देखिए बच्चों ये है एक पॉसिबिलिटी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है और ये है दूसरी पॉसिबिलिटी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है दो इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है तीन ओके okay? तो तीन पॉसिबिलिटी है मतलब ये कैसा हो गया ट्रिपली डी तो हम इसको क्या कहेंगे टी और ये क्या है डब्ली डी तो हम इसको क्या कहेंगे ईके ये किससे जनरेट हुआ है टू डी से ये किससे जनरेट हुआ है टू डी से तो इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी टू इसकी मल्टीप्लिसिटी भी कितनी होगी टू एके? और जो ये टी है ये क्या होता है टी टू जैसे टी टू जी होता है डी ऑर्बिटल में तो इसको हम कहते हैं टी टू जी और इसको क्या कहते हैं ई जी तो अब आप देखिए मैंने इसको कैपिटल लेटर से दिखाया है ये कैपिटल ई है ये कैपिटल टी टू है और इसकी डिजेनरेसी कितनी है तीन और इसकी डिजेनरेसी कितनी है दो और डी की डिजेनरेसी कितनी होती है पाँच देखिए दो तीन पॉइंट निकल के आएंगे अभी आप देखेंगे देखिए नंबर वन कि जब भी कोई एक स्टेट जो है वो स्प्लिट होगी तो वो जितनी डिजेनरेसी उसकी होगी उतनी ही टोटल डिजेनरेसी टूटने वाली स्टेट्स की होगी तीन प्लस दो दूसरा पॉइंट जो इस पेरेंट की जो मल्टीप्लिसिटी होगी वही मल्टीप्लिसिटी इनकी होगी जैसे हम कहते हैं कि कास्ट माता पिता के अकॉर्डिंग जो है वो हम कहते हैं कि जहाँ से जनरेट हुआ है ना उसका वही गोत्र होता है वही हम इस तरीके से बात करते हैं इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जिस मल्टीप्लेसिटी से जनरेट हुआ है उसकी मल्टीप्लेसिटी क्या होगी वही होगी जो मल्टीप्लेसिटी उसके पेरेंट आयन की थी उसके पेरेंट स्टेट की जो मल्टीप्लेसिटी थी वही मल्टीप्लेसिटी उससे जनरेट होने वाली टर्म्स की भी होगी ओके okay? तो इस तरीके से आप देखेंगे ये आपको मिलेगा ओके okay? तो डी टर्म जब भी स्प्लिट होगी तो वो दो टर्म्स में स्प्लिट होगी एक होगा टी टू और एक होगा ई e. ये आप डिफरेंट कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे ये मैंने आपको बताया डी वन कन्फिग्रेशन ऑक्टाहीड्रल में अब आप सेम कन्फिग्रेशन को देखिए टेट्राहीड्रल में देखिए टू डी था टू डी जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा अगर ये टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स होता तो ये फ्री आयन है और ये क्या हो गया टेट्राइट्रल कॉम्प्लेक्स तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा यहाँ होगा ये इसकी क्या होगी ग्राउंड स्टेट ओके ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है अगर ये एक्साइट होगा इलेक्ट्रॉन तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ चला जाएगा यहाँ तो ये क्या है इसकी एक्साइटेड स्टेट यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है ई वन यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है टी टू वन टी टू में एक इलेक्ट्रॉन Okay. तो अब देखिए इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है बच्चों अगेन आप सोचिए सोचिए आपने पहले भी किया हुआ है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो सकता है या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है कितनी पॉसिबिलिटी है थ्री पॉसिबिलिटी ओके अगर मैं इसकी ग्राउंड स्टेट देखूँ तो कितनी पॉसिबिलिटी है एक तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है तो कितनी पॉसिबिलिटी है टू ओके okay. तो ये क्या है ट्रिपली डी जेनरेट दिस इज ट्रिपली डी जेनरेट एंड दिस इज डबली डी जनरेट ओके तो अब आप देखिए ट्रिपली को क्या कहते हैं हम टी ओके okay? और डब्ली को क्या कहते हैं ईके okay? अब ये क्या होता है टी टू जी होता है टी टू जी हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये क्या है टेट्राइटल तो टी टू लिखेंगे ओके okay? अब हमें क्या देखना है इसकी मल्टीप्लिसिटी कहाँ से जनरेट हुआ है टू मल्टीप्लिसिटी के टर्म से तो इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी टू टी टू कैसी आ जाएगी टू टी टू तो आप देखिए इसकी ग्राउंड स्टेट है टू ई और एक्साइटेड स्टेट है टू टी टू ओके और जबकि ये तो था टेट्राहेड्रल अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की बात करूँ अभी आपने पढ़ा था वहाँ पर ग्राउंड स्टेट क्या थी टू टी टू जी और एक्साइटेड स्टेट क्या थी टू ई जी ये थी ग्राउंड स्टेट और ये थी एक्साइटेड स्टेट अब आप देखिए ये कितने अपोजिट हैं टेट्राहेड्रल में आप देखेंगे टेट्रा में आप देखेंगे बच्चों ग्राउंड स्टेट ई है जबकि ऑक्टा की ग्राउंड स्टेट क्या है टी टू ओके और जो एक्साइटेड स्टेट है टेट्रा की क्या है टू टी टू जबकि ऑक्टा की एक्साइटेड स्टेट क्या है टू ई तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अलग है बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है जैसे स्प्लिटिंग होती है यहाँ पर ई e नीचे होता है और टी टू पर होता है सिमिलर वे में आप देखेंगे ऑक्टा और टेट्रा डिफरेंट हैं यहाँ पर ई ग्राउंड स्टेट है यहाँ पर ई e जो है वो एक्साइटेड स्टेट है ओके यहाँ पर टी टू जो है वो ग्राउंड स्टेट है यहाँ पर टी टू सॉरी एक्साइटेड स्टेट थी टेट्राटल में जबकि जो ऑक्टा है वहाँ पर ये ग्राउंड स्टेट है तो बिल्कुल अपोजिट होते हैं दूसरे के ओके तो अभी मैं आपको एकदम फिर से शो कर रही हूँ और आई एम गोइंग टू शो माई स्लाइड अब आप यहाँ पर एक बार फिर से डायग्राम देखिए ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड में ये जो टू डी जो स्टेट थी वो स्प्लिट होती है देखिए टी टू जी वन कन्फिग्रेशन है इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से ये पूरी एक स्टेट एक कहलाएगी और इस स्टेट में क्या पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है यहाँ हो सकता है यहाँ हो सकता है तीन पॉसिबिलिटी है मतलब ये टी है क्या टर्म है टी और मल्टीप्लीसिटी कितनी होगी टू क्योंकि ये टू वाले से जनरेट हो रहा है ओके तो मल्टीप्लिसिटी सेम रहेगी और जी लगाया हमने क्योंकि ये ऑक्टाइटल कॉम्प्लेक्स है अभी जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ ट्रांसफर हो गया ई जी में अब ये पूरी जो स्टेट है ये एक्साइटेड स्टेट है ओके एक्साइटेड स्टेट क्या है क्योंकि ई में एसीमेट्रिकल फीलिंग है अब आपको पुराना याद करना है जब ई में एसीमेट्रिकल फीलिंग होगी तो इसका मतलब है कि ये कैसा है ई इसकी स्टेट क्या आएगी ई क्योंकि इसकी दो पॉसिबिलिटी होंगी जब टी जो है सिमेट्रिकल फील्ड होगा तो इसकी तीन पॉसिबिलिटी होंगी तो ये टी होगा जिसकी दो पॉसिबिलिटी होंगी वो ई होगा अब आप आइए टेट्राहेड्रल फील्ड में टेट्राहेड्रल फील्ड में इलेक्ट्रॉन कहाँ ई में है ठीक है तो स्टेट क्या हो जाएगी ई क्योंकि ई एसीमेट्रिकली फील्ड है जब टी एसीमेट्रिकली फील्ड होगा तो स्टेट क्या होगी टी तो इस तरीके से आप स्प्लिटिंग पैटर्न इनका देख सकते हैं याद करने की जरूरत नहीं अकॉर्डिंग तो टू कन्फ्यूग्रेशन इट विल चेंज अब हम देखेंगे बच्चों डी सिक्स कन्फिग्रेशन डी सिक्स कन्फिग्रेशन कैसा है देखिए डी एन प्लस फाइव अभी हमने पढ़ा डी वन तो उस वन में अगर हम पाँच जोड़ देंगे तो डी सिक्स हो जाएगा ओके अब डी सिक्स को देखें देखिए डी सिक्स में कैसे इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स ओके तो यहाँ पर कन्फिग्रेशन क्या हो गया टी टू जी फोर ई जी टू कौन ए फील्ड है टी टू जी टी टू जी एसीमेट्रिकल फील्ड है तो स्टेट क्या होगी टी क्योंकि इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है तीन पॉसिबिलिटी तो स्टेट क्या होगी थ्री टी और इसकी जो मल्टीप्लिसिटी वो हो पाँच होगी क्योंकि इसकी ग्राउंड स्टेट की मल्टीप्लिसिटी कितनी है पांच है ओके okay. अब आप देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ऊपर जाएगा तो अब देखिए ये तो सिमेट्रिकल हो गया लेकिन ई e क्या हो गया ए हो गया तो जब ई e ए हो गया तो या तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे या यहाँ होंगे तो ए होने से डब्ल्यू डी जनरेट हो गया और इसकी जो स्टेट इस है वो क्या हो गई ई e हो गई ओके okay. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी टी टू है ग्राउंड स्टेट सॉरी दिस इज द एक्साइटेड स्टेट एक्चुअली तो आप देखेंगे ये एक्साइटेड स्टेट है और एक्साइटेड स्टेट का कन्फिग्रेशन क्या हो गया जो ई सेट था वहाँ पे देखिए ए सीमेट्रिकल हो गया तो ई ए सीमेट्रिका का मतलब ई स्टेट डब्ल्यू डी जनरेट और टी टू अगर ए सीमेट्रिकल है तो ये टी स्टेट है और ये ट्रिपल टी जनरेट है तो आप देखेंगे जो डी सिक्स कन्फिग्रेशन है वहाँ पर भी टी टू जी जो है वो ग्राउंड स्टेट है और डी वन में भी ग्राउंड स्टेट थी आपने अभी देखा था और जो एक्साइटेड स्टेट है वो ई है और डी की भी एक्साइटेड स्टेट क्या है ई है अब टेट्राहीटल कॉम्प्लेक्स को देखिए टेट्राइटल के केस में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ग्राउंड स्टेट है वो ई e है क्यों क्योंकि ई एसीमेट्रिकली फील्ड है और जो एक्साइटेड स्टेट है वहाँ पर जो टी टू है वो एक ए सीमेट्रिकली फील्ड है इसलिए ये ट्रिपली डी जनरेट और इसकी जो स्टेट है वो क्या होगी डी होगी और ये बिल्कुल टेट्राहीटल जो इसकी स्प्लिटिंग है वो बिल्कुल किसकी तरह है डी वन की तरह केवल अंतर ये है कि यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी फाइव है और डी वन में मल्टीप्लिसिटी कितनी थी टू थी तो ये बोलिए ये डिफरेंस है तो आप ये देखेंगे जो डी वन कन्फिग्रेशन है और डी सिक्स कन्फिग्रेशन है यानी डी एन और डी एन प्लस फाइव आप इसको रख के देखिएगा तो आप देखेंगे दोनों के केस में क्या है टी टू जी ग्राउंड स्टेट है और ई जी एक्साइटेड स्टेट है ऑक्टा हिटल में और टेट्रा हिटल में क्या है कि ई ग्राउंड स्टेट है और टी टू एक्साइटेड स्टेट है केवल मल्टीप्लिसिटी का अंतर है ओके तो केवल ये अंतर है बाकी आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप बता सकते हैं कि ये ग्राउंड स्टेट क्या है और एक्साइटेड स्टेट क्या है अब आप देखिए D4 फोर कन्फिग्रेशन को D4 फोर कन्फिग्रेशन की जो ग्राउंड स्टेट होती है वो 5D होती है अब देखिए ग्राउंड स्टेट में क्या है तीन इलेक्ट्रॉन डी टू जी में और एक इलेक्ट्रॉन ई जी में है कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं ई जी ए सीमिट्रिकली फील्ड तो स्टेट क्या होगी ई जी ओके okay. और टी टू जी जैसी मेट्रिकली फल्ड तो स्टेट क्या होगी टी टू जी तो जो ग्राउंड स्टेट है वो E है और जो एक्साइटेड स्टेट है वो टी टू जी है अब देखिए ये बिल्कुल डी वन का उल्टा है D1 और D6 में क्या था जो T2G था वो ग्राउंड स्टेट थी और जो एक्साइटेड स्टेट थी तो EG थी जबकि D4 में EG जो है वो ग्राउंड स्टेट है और T2G क्या है एक्साइटेड स्टेट है ओके okay? साथ में आप देखेंगे जो ऑक्टा है और जो टेट्रा है एक दूसरे के अपोजिट होंगे सब जगह पर देखिए यहाँ पर ऑक्टा यहाँ पर टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल में कौन एसीमेट्रिकल है टी टू टी टू एसीमेटिकल है तो स्टेट क्या होगी टी टू ओके और जब जो एक्साइटेड स्टेट है वहाँ पर ई एसीमेट्रिकली फील्ड है तो स्टेट क्या हो जाएगी ई देखिए यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट ई है यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट D2 है यहाँ पर ग्राउंड स्टेट E है यहाँ पर ग्राउंड स्टेट D2 है तो ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे हर कन्फिग्रेशन में तो ऑक्टाहीटल और टेटराहिटल की स्प्लिटिंग बिल्कुल अपोजिट होगी जबकि D1 वन एंड डी सिक्स की एक की होगी ओके और D1 की D4 से अलग है देखिए देखिए बच्चों आपको बहुत अच्छी तरीके से स्प्लिटिंग सीखनी है अगर आपने स्प्लिटिंग सीख ली तो फिर तो आपके बाएं हाथ का खेलें औरगल डायग्राम बनाना फिर कोई टेंशन नहीं है अब देखिए डी नाइन कंफिगुरेशन डी नाइन कंफिगुरेशन देखिए यहां पर ये सिमेट्रिकल फीलिंग है ये ए सीमेट्रिकल फीलिंग है तो ई इज एसिमेट्रिकली फील्ड इसलिए स्टेट किया है e, ईके okay? और यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ ट्रांसफर हो गया तो टी टू ए फील्ड है तो क्या हो गया टी टू इज़ दी ग्राउंड स्टेट जो फ्री आयन की ग्राउंड स्टेट थी वो टू डी थी जबकि कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो ग्राउंड स्टेट है वो ई e हो गई टू डी जो है वो टूट गया या ई में जो ये ई e और टी टू है ना बच्चों इनको कहते हैं मोलिकुल टर्म्स ये कहलाती हैं मोलिकुलर टर्म्स क्योंकि ये जो टर्म्स जनरेट हो रही हैं ये मोलिकुल बनने के बाद जनरेट हो रही है, है. जबकि ये वाली जो टर्म है ये जो एनर्जी स्टेट है ये फ्री मेटल आइन की है और ये जो एनर्जी टर्म्स हैं ये किसकी हैं ये किसकी है कॉम्प्लेक्स की इसलिए ये जो टर्म है ये क्या कहलाती हैं मोलिकुलर आयन टर्म्स या मोलिकुलर टर्म्स या फिर मोलिकिन टर्म्स ओके तो यहाँ पर आप देखिए ये आ, आपने देखा था डी फोर में भी ई जो है वो क्या था कैसा कन कैसा थी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट क्या थी डी तो आप देखिए डी फोर प्लस फाइव इज इक्वल टू डी नाइन तो प्लस फाइव अगर हम कर देंगे तो उन दोनों कन्फिग्रेशन के जो जो स्प्लिटिंग है वो एक सा होगा अब टेट्राइटल कॉम्प्लेक्स को देखिए यहाँ पर टी टू जो है वो ए सीमेट्रिकली फील्ड है तो स्टेट क्या होगी टी टू और एक्साइटेड स्टेट में ई जो है वो ए सीमेट्रिकल है तो स्टेट क्या होगी ई तो आप देखिए बिल्कुल अपोजिट स्प्लिटिंग है यहाँ पर ई ग्राउंड स्टेट है यहाँ पर टी टू जो है वो ग्राउंड स्टेट है यहाँ पर टी टू एक्साइटेड स्टेट है यहाँ पर ई e जो है वो एक्साइटेड स्टेट है तो जैसे टेट्राइटल और ऑक्ट्राइटल की स्प्लिटिंग जो डी ऑर्बिटल की है वो बिल्कुल अपोजिट होती है वैसे ही आप देखेंगे जो तो स्प्लिटिंग देखेंग है ई डी टर्म की वो बिल्कुल क्या होगी एक दूसरे की अपोजिट होगी तो स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स अगर हम देखें तो जिस्ट क्या निकल के आएगा देखिए डी एन कन्फिग्रेशन अगर मैं लूँ जो कि एन से छोटा है तो उसका जो स्प्लिटिंग है वो डी एन प्लस फाइव की तरह हो

D1 वन एंड डी एक दूसरे की स्प्लिटिंग बिल्कुल अपोजिट होगी आप देखिए D1 वन ग्राउंड स्टेट क्या है डी टू जी ओके और मल्टीप्लिसिटी क्या है टू डी अब आपको याद रखना है डी एन एंड डी टेन माइनस एन में आपको दिखा रही हूँ यानी डी नाइन कन्फिगरेशन डी नाइन कन्फिग्रेशन देखिए अगेन मल्टीप्लीसिटी टू है लेकिन ग्राउंड स्टेट क्या है ई जी तो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं डी एन एंड डी टेन माइनस एन किसी भी कन्फिग्रेशन को आप देखिए तो वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे अगर मैं देखूँ स्प्लिटिंग ऑफ डी टर्म एंड एफ टर्म उनका डी एन कन्फिग्रेशन अगर हम देखें तो ऑक्टाहीटल जो है वो, वो क्या होता है उसके टेट्राहीटल के जस्ट अपोजिट होगा ओके तो डी एन ऑक्टाहीटल इनवर्स टेट्राहीटल के होगा ऐसे ही आप देखेंगे डी टेन माइनस एन ऑक्टाहीट्रा एन डी एन टेट्राहीट्रा एक दूसरे के क्या होंगे एक से होंगे वो एक दूसरे के जैसे होंगे क्योंकि ऑक्टाहेड्रा डी एन माइनस टेन देखिए ये ऑक्टाहेड्रा ऑक्टाहेड्रा इनवर्स है और ऑक्टाहेड्रा टेट्राहेड्रा इनवर्स है इस वजह से डी एन माइनस डी टेन माइनस एन ऑक्टाहीड्रा बिल्कुल किसकी तरह स्प्लिटिंग होगी उसकी डी एन टेट्राहीटल की तरह होगी इस डायग्राम में सारे स्प्लिटिंग पैटर्न दिखाए हुए हैं आप देख सकते हैं देखिए D1 वन D9 डी नाइन एक दूसरे के इस इनवर्स होंगे डी एन एंड डी टेन माइनस एन ओके ऐसे ही देखिए डी एन एंड डी टेन माइनस एन ये एक दूसरे के इनवर्स होंगे जबकि D1 और D6 इनकी स्प्लिटिंग एक सी होगी ये डी एन एंड Dn डी एन प्लस फाइव है डी एन एंड डी एन प्लस फाइव इनकी स्प्लिटिंग बिल्कुल एक सी होगी ऑक्टाहीट्रा अब अगर मैं देखूँ डी uh, टू इसी तरीके से डी टू और डी एट डी एन एंड डी टेन माइनस एन डी एन डी टेन माइनस एन बिल्कुल इसी तरीके से इनकी स्प्लिटिंग पैटर्न भी एक दूसरे के साथ रिलेटेड होगी अब यहाँ पर आप देखिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बीच में D1 वन एंड D9 नाइन टेट्राहीट्रा ये एक दूसरे के इनवर्स होंगे डी एन एंड डी टेन माइनस एन डी टेन एंड डी डी एन एंड डी टेन माइनस एन एक दूसरे के इनवर्स होंगे लेकिन डी एन एन डी एन प्लस फाइव टेट्राहीट्रा ये एक से होंगे इनकी स्प्लिटिंग एक सी होगी डी एन एंड डी एन प्लस फाइव इनकी स्प्लिटिंग एक सी होगी जब दोनों टेट्राहीट्रा होंगे जब दोनों ऑक्ट्राहीट्रा होंगे तब भी इसी तरीके का रिलेशनशिप होगा और यहाँ पर रिलेशनशिप जो दिखाई हुई है वो टेट्राइड्रा और ऑक्टाहाइड्रा के बीच में है तो डी वन टेट्राहीट्रा एंड डी सिक्स ऑक्टाहीट्रा ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे डी फोर एंड डी नाइन एंड एक्टाहीट्रा एक दूसरे के अपोजिट होंगे अगर दोनों ऑक्टाहीट्रा एक से हैं तो ये दोनों एंड टेट्राहीड्रा एक दूसरे के क्या होंगे अपोजिट होंगे जबकि डी वन टेट्राहीड्रा यानी डी एन एंड डी टेन माइनस एंड टेट्राइट्रा एंड ऑक्टाइट्रा वो सिमिलर होंगे अगर ऑक्टाइट्रा ऑक्टाहीट्रा डिसिमिलर है तो इसका मतलब है कि इटेट्राइटर ऑक्टाइट्राइट दूसरे के क्या होंगे सिमिलर होंगे तो इस तरीके से हम को रिलेशन दिखा सकते हैं इनके बीच में अब जब हम स्प्लिटिंग सीख गए हैं तो अब हम आते हैं ऑर्गल डायग्राम्स में और ऑर्गल डायग्राम्स इफ यू अंडरस्टैंड द स्प्लिटिंग अगर आप स्प्लिटिंग को समझ गए हैं तो अब आप ऑर्गल डायग्राम आसानी से बना सकते हैं कुछ नहीं करना है स्प्लिटिंग आपको आती है

डायग्राम से हैं ये वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस के लिए बनाए जाते हैं केवल यानी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब जहाँ पर लिगेंड क्या होगा कमजोर होगा जहां पर लिगेंड वीक होगा उस तरीके के कॉम्प्लेक्सेस के डायग्राम अगर हम बनाएं तो वो क्या कहलाते हैं ऑर्गल डायग्राम और ऑर्गल डायग्राम किस किस के बीच में बनते हैं ऑर्गल डायग्राम बनते हैं इन बिटवीन ई एंड डेल्टा ओ किसके बीच में बनेंगे ई e और डेल्टा ओ के बीच में जो डायग्राम्स होंगे वो कहलाएंगे ऑर्गल डायग्राम्स और यहाँ पर आप देखेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा वो सेम मल्टीप्लिसिटी की टर्म्स के बीच में दिखेगा अभी आप देखेंगे औरगल डायग्राम में सेम मल्टीप्लिसिटी की टर्म्स ही आती हैं जिनकी मल्टीप्लिसिटी एक सी होती है और कभी क्या होता है कि कुछ स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशंस भी दिखाई देते हैं जैसे डी फाइव कन्फिग्रेशन में और वो जो हैं वो क्यों दिखाई देते हैं क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट मल्टीप्लीसिटी की टर्म्स भी हम लिखते हैं तो ऑर्कल डायग्राम के बारे में एक पॉइंट और आपको लिखना है कि ये ऐसे प्लॉट्स हैं जो कि डेल्टा ओ और ई e के बीच में ड्रॉ किए जाते हैं ये जो डायग्राम्स हैं ये एक्चुअली क्या दिखाते हैं स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स दिखाते हैं जो स्प्लिटिंग जो है वो फंक्शन होती है स्ट्रेंथ ऑफ वीक फील डेल्टा ओ उसका फंक्शन होती है तो स्प्लिटिंग देखिए जब आपको स्प्लिटिंग आ जाएगी टर्म्स uh, की तो फिर आप ऑर्गल डायग्राम इजीली ड्रा कर सकते हैं और ये बहुत हेल्पफुल है इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं दे आर हेल्पफुल इन एक्सप्लेनिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का स्पेक्ट्रा ये शो करते हैं तो अब देखिए बहुत इजी हो गया अगर आपको स्प्लिटिंग आ गई तो ये एक लाइन खींच दीजिए स्प्लिटिंग आपको आती है ई एंड डेल्टा ये लिखना जरूरी होगा जब ऑर्गल डायग्राम बनाएंगे टू डी सॉरी ई एंड डेल्टा ओ के बीच में ये कर्व है बिल्कुल वही मैंने लिखा है जो मैंने वहाँ लिखा था टू डी स्प्लिट करती है डी वन की जो ग्राउंड स्टेट है वो होती है टी टू जी और जो एक्साइटेड स्टेट होती है वो टू ई जी स्टेट का कन्फिग्रेशन होता है टी टू जी वन और इस्टेट का कन्फिग्रेशन होता है ई जी वन इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो डेल्टा कहलाता है यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ई है और आप देख सकते हैं कि ये ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांसफर होगा टी टू जी से ई जी में जो स्टेट इस जो इस है टी टू जी से ई जी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा कितने ट्रांजिशन पॉसिबल है एक ओके तो इसका जब हम स्पेक्ट्रा देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक पीक दिखाई देगी यहाँ पर आपको जरूर एक हम्प सा दिखाई देता है कुछ डबलेट सा दिख रहा है ये इसलिए दिखता है क्योंकि जॉन टेलर थ्योरी आप जॉन टेलर इफेक्ट ढूंढिए वहां पर आप देखेंगे कि जॉन टेलर इफेक्ट की वजह से ये हंप दिखाई देता है नहीं तो ये एक पीक आएगी क्योंकि एक ट्रांजिशन है ओके एंड दिस इज द केस ऑफ ऑक्टा कॉम्प्लेक्स ये किसका केस था ऑक्टा कॉम्प्लेक्स का केस अब आप, आप देखिए टेट्रा कॉम्प्लेक्स और टेट्रा कॉम्प्लेक्स जो होगा उसकी स्प्लिटिंग पैटर्न बिल्कुल ऑक्टा की अपोजिट होगी यहाँ पर टू ई ग्राउंड स्टेट होगी और टू टी टू क्या होगी एक्साइटेड स्टेट होगी ई वन इसका कन्फिग्रेशन होगा ग्राउंड स्टेट का और टी टू वन जो है वो एक्साइटेड स्टेट का कन्फिग्रेशन होगा जो प्लॉट है वो ई e और डेल्टा टी के बीच में बनेगा डेल्टा टी क्या है यहाँ पर इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ टेट्रा कॉम्प्लेक्स तो दिस इज द ऑर्गल डायग्राम फॉर डी वन मेटल आयन इन टेट्राटल एनवायरनमेंट मतलब ये टेट्राइटल कॉम्प्लेक्स का ऑर्गल डायग्राम है हम यहाँ पर जी नहीं लिखेंगे आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे जी नहीं लिखना है अगर टेट्राटल कॉम्प्लेक्स होगा तो यानी यहाँ पर भी कितने ट्रांजिशन होंगे एक ट्रांजिशन लेकिन ट्रांजिशन कहाँ से टू से टू में होगा तो एक यहाँ पर हमें पीक दिखेगी अब आप देखिए औरगल डायग्राम ऑफ डी सिक्स बिल्कुल डी सिक्स किसकी तरह होगा डी वन की तरह होगा केवल मल्टीप्लीसिटी कितनी होगी पाँच तो यहाँ पर जो ग्राउंड स्टेट है वो फाइव टी टू जी है यहाँ पर फाइव ई जी है जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो टी टू जी फोर ई जी टू है ग्राउंड स्टेट का और एक्साइटेड स्टेट का क्या है टी टू जी थ्री ई जी थ्री देखिए यहाँ पर दिख रहा है ई इज जैसीमेट्रिकली फील्ड तो ग्राउंड जो स्टेट है वो क्या है ई e. यहाँ पर टी टू जी जैसीमेट्रिकली फील्ड तो स्टेट क्या है ओके okay. लेकिन यहाँ पर आप अगेन देखेंगे कि कितने ट्रांजिशन पॉसिबल हैं फाइव टी टू जी से फाइव ई जी केवल एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल है तो केवल एक ही पीक हमें इसके स्पेक्ट्रा में दिखाई देगी लेकिन ये पीक अगेन आप देख रहे हैं हम्प दिखाई दे रहा है ये दिस इज़ ड्यू टू दी दिस इज़ ड्यू टू जॉन टेलर इफेक्ट जॉन टेलर डिस्ट्रॉशन की वजह से ये हो रहा है जो एक्साइटेड स्टेट वो स्प्लिट हो जाती है तो लेकिन इसमें क्या दिखाई देगा एक पीक दिखाई देगा अब आप देखिए डी सिक्स मेटल आयन डी सिक्स मेटल आयन को अगर हम देखेंगे तो ये हम दिखा रहे हैं इसको टेट्राहीट्रल फील्ड में तो जो टी जो डी सिक्स टेट्राहीटल होगा वो बिल्कुल डी सिक्स ऑक्टाहीट्रा का क्या होगा अपोजिट होगा फाइव इज इज द ग्राउंड स्टेट एंड फाइव टी टू इज द एक्साइटेड स्टेट यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है ई थ्री टी टू थ्री तो देखिए ई जो है यहाँ पर एसिमेट्रिकल फील्ड है इसलिए ई स्टेट है यहाँ पर टी टू एसीमेट्रिकल इसलिए टी स्टेट है तो ट्रांजिशन कितना होगा एक होगा फाइव ई से फाइव टी टू ओके okay. और ये जो प्लॉट होगा ये ई e और डेल्टा टी के बीच में बनेगा सो दिस इज द दर्गल डाइग्राम ऑफ डी सिक्स मेटल आयन इन टेटरा हिट्रल एनवायरमेंट अब देखिए डी फोर मेटल आयन है डी फोर कम्प्लेक्स है ऑक्टा हिट्रल एनवायरमेंट में जो ग्राउंड स्टेट फ्री मेटल आयन की वो फाइव डी है और ये ई e और डेल्टा ओ के बीच में बनेगा जो ग्राउंड स्टेट है वो ई जी है और जो एक्साइटेड स्टेट है वो डी टू जी है इलेक्ट्रॉन जो है वो देखिए ई uh, जी से टी टू जी में ट्रांसफ़र होंगे फाइव ई जी से फाइव टी टू जी में ट्रांसफर होंगे एक ही ट्रांजिशन होगा क्योंकि एक ग्राउंड स्टेट और एक एक्साइटेड स्टेट है यहाँ पर कन्फिग्रेशन क्या है टी टू जी थ्री ई जी वन ई जी जैसीमेट्रिकली फील्ड इसलिए जो ग्राउंड स्टेट है वो ई जी है यहाँ पर टी टू जी ये सिमेट्रिकली फील्ड है तो एक्साइटेड स्टेट क्या है टी टू जी तो यहाँ पर हमें एक पीक मिलेगी क्योंकि एक ट्रांजिशन हो रहा है ये दिस इज द दर्गल डायग्राम फॉर टेट्राहीट्रल डी फोर मेटल आयन तो ये बिल्कुल अपोजिट होगा ऑक्टाहीट्रल uh, का यहाँ पर फाइव टी टू इज द ग्राउंड स्टेट एंड फाइव ई इज़ द एक्साइटेड स्टेट ये आप स्प्लिटिंग पैटर्न पढ़ चुके हैं केवल आपको इसको एक ग्राफ बनाना है ये डेल्टा टी एंड ई के बीच में प्लॉट होगा यहाँ पर कंफिग्रेशन है ई टू टी टू टू यहाँ पर टी जो है सिमेट्रिकली फील्ड है तो ये फाइव टी टू इसका ग्राउंड स्टेट है यहाँ ये ये स्मॉल टी है बच्चों कैपिटल टी नहीं है तो यहाँ पर देखिए ई ए सीमेट्रिकल फील्ड है और ये फाइव ई इसकी क्या होगी एक्साइटेड स्टेट होगी तो एक ट्रांजिशन होगा फाइव टी टू से फाइव ई e में ओके तो इन पर्टिकुलर जो स्टेट है उनकी हम कन्फिग्रेशन भी लिख सकते हैं ये जो ऑर्गल डायग्राम है ये डी नाइन मेटल आइन का है ऑक्टाहीडल इन्वायरमेंट में देखिए ई और डेल्टा ओ के बीच में प्लॉट है यहाँ पर जो ग्राउंड स्टेट है वो टू ई जी है क्यों क्योंकि ई जी जो है वो एसीमेटिकली फील्ड है यहाँ पर टी टू जी एसीमेटिकल फील्ड है एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा ई जी में तो ये जो एक्साइटेड स्टेट है ये हो गई टू टी टू जी तो इलेक्ट्रॉन टू ई जी से टू टी टू जी में ट्रांसफर होगा एक ट्रांजिशन है इसलिए एक पीक इसमें हमें दिखाई देगी और ये जो हम्प है इट इज़ ड्यू टू जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ये है डी मेटल डी नाइन मेटल आयन इन टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट बिल्कुल अपोजिट होगा ऑक्टाहेड्रा का और यहाँ पर जो ग्राउंड स्टेट है वो है टी टू एक्साइटेड स्टेट है टू ई देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है टू टी टी टू फाइव तो ये एसिमेट्रिकली फील्ड है इसलिए टी टू इज द ग्राउंड स्टेट एंड ई इज़ द एसीमेट्रिकली फील्ड सो ई इज़ द एक्साइटेड स्टेट तो एक ट्रांजिशन पॉसिबल है टू टी टू से टू ई e में अगर ये ट्राइटल एनवायरनमेंट में होगा तो आप देखेंगे कि ये एक जो एब्जॉर्पन पीक है वो शो करेगा ओवरऑल आप ये देखेंगे कि जो ये चार कन्फिग्रेशन थे जहाँ पर डी जो है वो क्या थी ग्राउंड uh, स्टेट थी फ्री मेटल मेटलाइन की तो वो दो टर्म में ही स्प्लिट होती है डी टू एंड ई में तो जो ऑक्टाइटल कॉम्प्लेक्स होंगे वहाँ पर हम जी यूज़ करेंगे और जो टेटराइटल है वहाँ पर हम जी का यूज़ नहीं करेंगे तो केवल दो स्टेट में स्प्लिट होता है इसलिए केवल एक ट्रांजिशन होगा और चारों कन्फिग्रेशन की जो एब्जॉर्पन स्पेक्ट्रा है वो एक पीक शो करेंगे ओके okay? यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्गल डायग्राम ऑफ D1, D4, D6 फोर डी सिक्स एंड डी नाइन कन्फिग्रेशन इन ऑक्टा फील्ड टूगेदर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साथ हमने ऑर्गल डायग्राम बनाया हुआ है इन सब की ग्राउंड स्टेट कैसी है फ्री मेटल आइन की एंड डी तो देखिए ये जो राइट साइड में मैंने दिखाया हुआ है ये जो कर्व है जो ग्राफ है ये डेल्टा ओ एंड ई के बीच में है यह डेल्टा टी और ई uh, e के बीच में हो सकता है, है के केस में तो यहाँ पर आप देखिए राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं डी टू इज़ द ग्राउंड स्टेट टर्म एंड ई इज़ द एक्साइटेड स्टेट टर्म ऐसा कब होता है जब कन्फिग्रेशन डी वन होता है या डी सिक्स होता है ऑक्टा और ऐसा कब होता है जब डी फोर डी नाइन टेट्रा होता है इसलिए ये जो राइट साइड का जो डायग्राम है ये डी वन डी सिक्स ऑक्टा का है या डी फोर डी नाइन टेट्राहीड्रा का है केवल आपको मल्टीप्लिसिटी चेंज करनी होगी और अगर हम लेफ्ट साइड का जो ऑर्गल डायग्राम है वो देखें तो वो किसका है डी वन डी सिक्स देखिए डी वन डी सिक्स तो जस्ट इसका अपोजिट कौन होगा डी वन डी सिक्स टेट्राहीड्रा जहाँ पर ई e जो है वो ग्राउंड स्टेट होगी और डी टू स्टेट होगी अब देखिए डी फोर डी नाइन टेट्राहीड्रा थे तो ये डी फोर डी नाइन ऑक्टा का भी ऐसा ही होगा तो, तो देखिए चारों कन्फिग्रेशन का एक साथ हमने दिखा दिया है चार कन्फिग्रेशन डी वन डी सिक्स ऑक्टा एंड डी फोर डी नाइन टेट्राइट्रा ये इस तरीके की स्प्लिटिंग होगी इस तरीके का ऑर्गल डाइग्राम आएगा और जो डी वन डी सिक्स टेट्राइट्रा होंगे या डी फोर डी नाइन ऑक्टा होंगे उनका जो ऑर्गल डायग्राम इस तरीके का होगा कि ई e की जो स्टेट है वो ग्राउंड स्टेट होगी और डी टू जो है वो एक्साइटेड स्टेट होगी यहाँ पर हम जी का यूज़ करेंगे जब हम ऑक्टा का डायग्राम बनाएंगे और जब हम टेट्राहीटल का बनाएंगे तो हम जी का यूज़ नहीं करेंगे नाउ वी विल समेराइज आर लेक्चर हम अपने लेक्चर को समेराइज करेंगे और इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि जो स्प्लिटिंग पैटर्न औरगल डायग्राम को पढ़ने से पहले हमने देखा कि कैसे जिनकी ग्राउंड स्टेट डी होती है वो कैसे स्प्लिट होते हैं जिनकी ग्राउंड स्टेट डी होती है वो दो तरीके दो स्टेट्स में स्प्लिट होते हैं डी टू एंड ई में और ये जो स्प्लिटिंग है ये डिपेंड करती है कि क्या कन्फिग्रेशन है और कॉम्प्लेक्स कैसा है ये डी वन कन्फिग्रेशन ऑक्टा की स्प्लिटिंग है और ये टेटरा की स्प्लिटिंग है फिर देखिए हमने डी सिक्स की ओक्टा स्प्लिटिंग पढ़ी और टेटरा स्प्लिटिंग पढ़ी दैन डी फोर कन्फिग्रेशन ऑक्टाइटल एंड टेट्राइट कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग पढ़ी एंड डी नाइन के ऑक्टाइटल एंड टेट्राइटल की स्प्लिटिंग पढ़ी और इस स्प्लिटिंग का रिजल्ट ये आया कि आपको पता चला कि जो डी एन ऑक्टाहीट्रा है वो डी एन प्लस फाइव ऑक्टाहीट्रा की तरह उसकी स्प्लिटिंग होती है डी एन ऑक्टाहीट्रा की डी टेन माइनस एन के अपोजिट स्प्लिटिंग होती है डी एन ऑक्टाहीट्रा की डी एन के टेट्राहीट्रा की इनवर्स होती है सो ये हमें रिजल्ट मिला कि डी टेन माइनस एन ऑक्टाहीट्रा की स्प्लिटिंग बिल्कुल किसकी तरह होती है डी एन टेट्राहीट्रा की तरह स्प्लिटिंग होती है और अगर हम स्प्लिटिंग पैटर्न जान गए तो हम आसानी से ऑर्गल डाइग्राम ड्रा कर सकते हैं जो कि डेल्टा एंड ई के बीच के प्लॉट हैं और ये वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस के लिए ड्रॉ किए जाते हैं ये ऑर्गल डाइग्राम है एम वन डी वन मेटेलाइन ऑफ टाइट्रल एन्वायरमेंट और इससे हमें ये पता लगता है कि इसमें एक पीक आएगी दिस इज़ द दर्गल डाइग्राम फॉर डी वन टिट्रल एनवायरमेंट और यहाँ पर भी आप देखेंगे एक ट्रांजिशन पॉसिबल है और एक पीक इसके स्पेक्ट्रा में मिलेगी ये डी सिक्स मेटल आयन का ऑक्टाहीड्रल एनवायरनमेंट का ऑर्गल डायग्राम है जहाँ पर आप देख रहे हैं एक ट्रांजिशन होगा तो एक पीक यहाँ पर मिलेगी डी सिक्स मेटल आयन इन टेटराहिडल एनवायरनमेंट और यहाँ पर ऑर्गल डायग्राम से आपको पता चलेगा कि एक ट्रांजिशन पॉसिबल है सो वन पीक विल बी ऑब्जर्व इन दी एब्जॉर्पन स्पेक्ट्रा यहाँ पर आप देखिए डी फोर मेटल आयन है ऑक्टाहीड्रल एनवायरनमेंट का ऑक्टल डायग्राम है ऑर्गल डायग्राम है और इसमें भी आपको एक पीक दिखेगी क्योंकि यहाँ पर क्या है एक ट्रांजिशन होगा ऑर्गल diagram ऑफ डी नाइन environment again हेट्रा transition अगेन वन ट्रांजिशन एंड वन there विल the देयर इन दी एब्जॉपन इस्पेक्ट्रा और ये देखिए डी नाइन का टेट्रा हेट्रा एनवायरमेंट में और गल डाइग्राम है अगेन एक आ, एक पीक होगी क्योंकि एक ट्रांजिशन पॉसिबल है तो इस तरीके से आप देखेंगे जो ऑर्गल डाइग्राम है ये हेल्पफुल है ये बताने के लिए कि पर्टिकुलर एब्जॉपशन इस्पेक्ट्रा में कितनी पीकस आएंगी और आ, इस तरीके से आप देखेंगे कि जिनमें भी डी जो है वो ग्राउंड स्टेट टर्म होती है सब में एक ही पीक आती है एक ही एब्जॉपशन पीक इसमें दिखाई देगी क्योंकि एक ग्राउंड स्टेट है और एक्साइटेड स्टेट एक है सो ओनली वन ट्रांजिशन इज पॉसिबल इन एवरी केस और यहाँ पर हमने सारे कन्फिग्रेशन को ऑप्टाहीट्रल एंड टेट्राहीट्रल डी वन डी फोर डी सिक्स एंड डी नाइन सारे कन्फिग्रेशन का आपने देखा कि वी कैन ड्रॉ वन ऑर्गल डायग्राम फॉर ईच ऑफ दी कन्फिग्रेशन सारे कन्फिग्रेशन को हम एक ही ऑर्गल डाइग्राम एक ही डाइग्राम में हम शो कर सकते हैं